अपना पिज्ज़ा एकदम परफेक्टली बेक हुआ है, आप देख सकते हो चीज़ भी अच्छी तरह मेल्टेड है। नीचे से भी आपको दिखाता हूँ, मस्त बना है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है यार। आप कब बना रहे हो? और मेरे चटरों कैसे हो आप? पिज्ज़ा की तो बहुत सारी रेसिपी है ऑनलाइन, आज हम लोग सेम डोमिनोज जैसा पनीर मक्खनी पिज्ज़ा बनाएंगे। टेस्टी लग रहा है ना, इसका प्रोसेस कुछ अलग है, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाते हैं। डो के लिए एक बड़ा बोल में हाफ कप गरम पानी के साथ हम लोग इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। इन दोनों को स्टर करना है। इसमें हम लोग ईस्ट प्रूफ करेंगे, ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है। बस 1/4 मतलब 1/4 टीस्पून लगेगा, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1/4 टीस्पून ईस्ट इसमें ऐड करना है, इतने से पिज्ज़ा कल बनेगा। आज बनाना है तो आप 1 टीस्पून ईस्ट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको सेम टेस्ट चाहिए डोमिनोज जैसा तो स्लो और कोल्ड प्रूफिंग करना पड़ेगा, और उसके लिए ईस्ट की क्वांटिटी कम होती है। इन दोनों को भी मिक्स कर दिया हम लोग ने, अब इसको एक्टिव होने देना है। 2-3 मिनट में ही ईस्ट मल्टीप्लाई होने लग जाता है। अगर ऐसे ऊपर नहीं आने लगे तो प्लीज़ रेसिपी यहाँ से कंटिन्यू मत करिएगा। ईस्ट काम नहीं करेगा तो रेसिपी नहीं बनेगी अच्छी, आटा नहीं फूलेगा। तो चलो अब डो बनाते हैं। 2 9 इंच के पिज्ज़ा के लिए यहाँ पर मैं 2 कप मैदा ऐड कर रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट 250 ग्राम होता है। इसी के साथ में मिल्क पाउडर टेंडराइज़र है, पिज्ज़ा का क्रस्ट बहुत अच्छा बनेगा इससे, 2 टेबलस्पून लिया है। गार्लिक पाउडर ऐड कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून फ्लेवर के लिए, और 1 टीस्पून नमक। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर डो बनाना है। पानी के रिक्वायरमेंट और लगे तो आप और ऐड कर सकते हो, बस डो की अच्छी तरह मसाज करनी है। ये डो बन चुका है एक बार के लिए, अब हम लोग इसको 5 से 6 मिनट तक लगातार नीड करेंगे, मसाज करेंगे, और बीच बीच में आप इसमें और पानी ऐड करिएगा। हम लोग को एकदम चिपचिपा और नरम आटा चाहिए, सॉफ्ट और स्टिकी चाहिए। एकदम चिपचिपा है ना, अब मैं इसको पटकना स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऐसे बैंग करने से, पटकने से इसका जो स्टिकीनेस है ना वो कम हो जाता है, ये स्मूथ बन जाएगा और नॉन स्टिकी बन जाएगा। देख सकते हो आप, मैजिक स्मूथ भी हो गया है। अब हम लोग इसमें और टेंडराइजर ऐड करेंगे, मतलब बटर ऐड करेंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है, अब इसको अच्छी तरह वापस मिक्स करना है। मिक्स करने में 2-3 मिनट लग सकती है, और कभी कभी क्या होता है ना, डो थोड़ा स्टिफ़ हो जाता है, इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है, तो आप पानी और ऐड कर सकते हो अगर ये स्टिफ़ होने लग जाता है तो। मैंने भी 1 टीस्पून के आसपास पानी ऐड किया है। लास्ट में हम लोग को चिपचिपा और नरम आटा चाहिए, बिल्कुल ऐसा। डो अपना रेडी है, आज का बस अब लास्ट काम करना है। आप एक बोल ले सकते हो या फिर ऐसा एयरटाइट बॉक्स ले सकते हो, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। इसके अंदर डो रख देंगे और डो को घुमाना है तेल के साथ। ऐसे करने से डो में भी ऑयल लग जाएगा और बोल में भी ऑयल लग जाएगा। इसमें मैं मार्किंग कर रहा हूँ ताकि कल पता चल जाए कि कितना फूला है आटा, और ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे 24 घंटे के लिए। कम से कम 24 घंटे रखना है, आप वैसे चाहो तो 5 दिन तक भी रख सकते हो। 2 से 3 दिन के बाद फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। चलो अगले दिन का सीन है ये, आटा डबल फूल चुका है। अब इसके 2 लोहे तोड़ेंगे, 2 पिज्ज़ा बना रहे हैं ना, तो बोर्ड में मैं पहले सूखा मैदा छिड़क रहा हूँ। अब डो को बाहर निकाल लेंगे और इसके 2 टुकड़े करने हैं। एकदम स्मूथ लोई बनानी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसको बेलेंगे नहीं बेलन से, तो इसी वजह से ये जो पोर्शन है ना डो का, एकदम स्मूथ होना चाहिए। ये लोई रेडी है और मैं यही बोर्ड में रख रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, तो इसी के ऊपर मैंने सूखा मैदा छिड़क दिया है। दूसरी वाली भी बन गई, इसको ढक कर आधे घंटे तक रेस्ट करने देना है। तब तक मक्खनी और पनीर का जुगाड़ करते हैं। चलो पहले ये मक्खनी ग्रेवी बनाते हैं। मैंने कढ़ाई गरम करी है, लो हीट रखनी एकदम। 1 टेबलस्पून ऑयल है और 1.5 टेबलस्पून जितना बटर है, इन दोनों की हीट एकदम लो रखी है। तब तक मसाला का मिक्स बनाते हैं। 1 बड़ा चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच है धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैदा। हाँ, हम लोग इसमें मैदा ऐड करेंगे, इससे सिल्की बनती है अपनी सॉस। मक्खनी सॉस बना रहे हैं ना, और थिकनेस भी ऐड होगी। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी। अपना मसाला का मिक्स रेडी है। कढ़ाई में हम लोग 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, अपने सारे मसाले जो मिक्स किए थे, और इन दोनों को कुक करना है जब तक ये अच्छी तरह पक ना जाए। 2 मिनट के आसपास लगेगी, फ्रॉदी हो जाता है ये और तेल छोड़ने लग जाता है। चलो मसाले अपने सिक गए हैं, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। पूरी 1 पैकेट है, 200 ml।
रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट के लिए टमेटो प्यूरी यूज़ करिएगा, हमेशा सेम टेस्ट मिलेगा आपको। फ्लेम को अभी मीडियम हाई कर देंगे और फिर इसको 5 से 6 मिनट तक कुक करना है। मैंने मिक्स कर दिया ना, अब ढक्कन लगा रहा हूँ और ये पकती रहेगी। बस इतना पकाना है कि ये पूरी थिक हो जाए और साइड्स छोड़ने लग जाए। बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे, साथ में 1 चम्मच चीनी। दोनों को भी अच्छी तरह मिक्स करना है और हीट लेकर आनी है इसमें। बॉईल आने से पहले ही हम लोग इसमें तड़का लगाएंगे, मतलब क्रीम में तड़का लगाएंगे ग्रेवी का, वरना वो फट जाती है। तो मैं थोड़ी सी ये ग्रेवी को बाहर निकाल रहा हूँ एक बोल में, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे पैकेट वाली क्रीम, ये 1/3 कप के आसपास है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे और कुक करना है 2 से 3 मिनट तक। लास्ट में आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ऐसी करनी है, मतलब बॉईल कर ना पिज्ज़ा सॉस जैसी गाढ़ी है और ना प्यूरी जितनी पतली है, एकदम सॉसी बनी है। ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा थिक होती है। तो चलो गैस बंद कर दी मैंने, ये ठंडी होती रहेगी। मसाला पनीर बनाते हैं जो ऑलमोस्ट सारे डोमिनोज वाली पनीर की रेसिपी में होता है, तो उसके लिए गैस बंद है अभी। मैंने बस पैन टिकाया है, गैस बंद है दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ। तेल डाला है 1/2 टीस्पून, इसी के साथ में मसाले नाम के लिए है सिर्फ हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, 1/2 चम्मच ही नमक और हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये सब ऐड करने के बाद हम लोग गैस ऑन कर देंगे मीडियम फ्लेम पर, और पनीर ऐड करनी है इमीडिएटली। ये 100 ग्राम पनीर है, 100 ग्राम पनीर 24 पीस है, इससे 2 पिज्ज़ा बन जाएंगे। अब बस 1 से 1.5 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसको कुक करना है। बस बाहर बाहर के मसाले सिक जाए, पनीर गर्म हो जाए, उतना ही करना है अपन को। अपनी मसाला पनीर भी रेडी है, अवन को प्रीहीट करने रख देते हैं। ये 250 डिग्री में मैंने सेट किया है और सिर्फ बॉटम रॉड्स ऑन रखे हैं फ़ैन के साथ। आप दोनों बॉटम और टॉप दोनों भी ऑन रख सकते हो, डिपेंड करता है अवन पे। 10 से 15 मिनट तक इसको प्रीहीट करना है, फिर पिज्ज़ा बनाएंगे। पिज्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चकला लिया है, इसमें मकई का आटा स्प्रिंकल कर रहा हूँ। मकई का आटा से क्रिस्पी बनता है अपना पिज्ज़ा का क्रस्ट। आप इसकी जगह सूजी भी ले सकते हो। एक पिज्ज़ा का डो ले लेंगे, इसके ऊपर रखना है, थोड़ा सा मकई का आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसको स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों से ही स्प्रेड करना है, सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है यार। बस कोशिश करिए इसको स्प्रेड करने की, स्ट्रेच करने की। कोने थोड़े मोटे रखने हैं और जो पिज्ज़ा का एरिया है वो थोड़ा सा पतला। अगर बेलन से इसको स्प्रेड या प्रेस करना स्टार्ट करें तो जो एयर पॉकेट्स या बबल्स होते हैं ना, वो प्रेस हो जाते हैं और उसकी हवा निकल जाती है। सिंपल भाषा में हवा निकल जाती है। आसान है, जैसे मैंने बताया था, ये बिल्कुल रेडी है। अब पिज्ज़ा स्क्रीन के ऊपर मैं इसको रख रहा हूँ और इसकी साइज़ को बराबर कर लेंगे। ये 9 इंच की पिज्ज़ा स्क्रीन है, मैंने थोड़ा सा और स्ट्रेच किया अपने डो को। अब ये रेडी है, इसके ऊपर अपन लगाएंगे अपनी मखनी सॉस। टेक्सचर आप देख सकते हो, ठंडा होने के बाद एकदम सही हो गया है। सॉस के ऊपर डलेगी अपनी मोज़रेला चीज़ और साथ में थोड़ी सी चेडा चीज़। आप चाहो तो चीज़ ब्लेंड जो आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। उसमें पहले से ही मिक्स होती है दोनों, मोज़रेला और चेडा चीज़, जैसे ब्रिटानिया की चीज़ें आती है। अब इसके ऊपर अपन सजा देंगे पनीर जो हम लोग ने बनाई थी और शिमला मिर्च। नॉर्मली दोस्तों ऐसे ही बेक किया जाता है होटल वगैरह में। सर्विंग टाइम पे कुछ जने क्यूजीन ऑयल भी लगा देते हैं इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, मतलब साइड्स में। हम लोग पहले ही इसमें मेल्टेड बटर लगाएंगे ऐसे। ये करने से जो क्रस्ट है ना साइड्स, वो ड्राई नहीं होगी, और ड्राई क्रस्ट किसी को नहीं पसंद है यार। इसी वजह से आप ज़रूर से लगाइएगा शुरू में ही ऐसे बटर। अपन ने तो असली बटर इसमें लगा दिया, अब बेक करने के लिए पूरा रेडी है। तो अवन के अंदर मैं इसको सेट कर रहा हूँ, 11 से 13 मिनट लगती है 250 डिग्री सेंटीग्रेड में। कुछ अवन्स में 10 मिनट में बन जाता है और कोई कोई में 20 मिनट लग जाती है, अवन पे डिपेंड करता है। देखिए क्या मस्त फूल रहा है, टेस्टी लग रहा है ना। बस इसकी सर्विंग करनी है लास्ट में और एक इनो छिड़क कर। पिज्ज़ा का वीडियो हो और मैं सिर्फ एक पिज्ज़ा बनाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? आज तो लाइट भी नहीं गई, फिर भी मैं दूसरा बना रहा हूं। चलिए देखिए, इसमें आपको एयर पॉकेट्स दिख रही होगी, इसीलिए मैंने बताया था कि बेलन यूज़ मत करिएगा। ये मैंने हाथ से स्ट्रेच किया है। और ये जो पिज़्ज़ा स्क्रीन है, ये भी आसानी से मिल जाती है, इसका लिंक भी शेयर करूँगा। दूसरा वाला भी बेक हो रहा है, मस्त लग रहा है ना। बिल्कुल सर्व करेंगे इसको गर्मा गर्म ओरिगनो, चिली फ्लेक्स, कटा हुआ धनिया, इन तीनों के साथ। चलो स्लाइसेस कट करते हैं।
अपना पिज्ज़ा एकदम परफेक्टली बेक हुआ है, आप देख सकते हो चीज़ भी अच्छी तरह मेल्टेड है। नीचे से भी आपको दिखाता हूँ, मस्त बना है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है यार, आप कब बना रहे हो? कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक। मिलता हूँ जल्द एक और रेसिपी के साथ, और ऐसी कौन सी रेसिपी आप देखना चाहोगे ज़रूर से बताइएगा, जल्दी लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही।